भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच रोमांचक रहा और नजदीकी मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में टीम इंडिया की बल्लेबाजी की कड़ी आलोचना हो रही है, जो इस टेस्ट की दूसरी पारी में 194 का पीछा करते हुए बुरी तरह से नाकाम रही और केवल 162 रनों पर ही सिमट गई, जिससे उसे केवल 31 रनों से ही मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को सलाह दी है कि वो पहले टेस्ट में बल्लेबाजों के प्रदर्शन के आधार पर लॉर्ड्स टेस्ट में अंतिम 11 के चयन के लिए छटनी से बचे। गांगुली ने इस बात पर जोर दिया कि मुरली विजय और रहाणे को और दृढ़ता से बल्लेबाजी करने की जरूरत है। पहले टेस्ट में मुरली विजय ने पहली पारी में 20 और दूसरी पारी में 6 रन बनाए, वहीं रहाणे ने पहली पारी में 15 और दूसरी में केवल 2 रन बनाए। गांगुली ने अपना इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा है, यदि आपको टेस्ट मैच जीतना है तो सभी को रन बना लें। उन्होंने कहा कि ये 5 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट है और मेरा मानना है कि टीम में वापसी कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है। आज रहाणे और मुरली विजय को अधिक प्रतिबद्धता दिखानी होगी क्योंकि वो पहले भी ऐसी परिस्थितियों में रन बना चुके। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।